कार्यक्रम के अंतर्गत बेसलाइन आकलन के आधार पर शिक्षण कार्य की इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने उपचारात्मक शिक्षण व उसका उद्देश्य, 2021 से 2022 में उपचारात्मक शिक्षण योजना की जरूरत, गणित के लिए बेसलाइन आकलन की रूपरेखा, इन बिंदुओं में समझ बनाई थी। इस वीडियो में हम बेसलाइन के आगे की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। कक्षा के सब बच्चों को एक स्तर में लाने के लिए समूह बनाकर कार्य करना जरूरी है। बेसलाइन आकलन के आधार पर शिक्षकों को बच्चों को समूह में विभाजित कर शिक्षण करना है। समूह विभाजन शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए है, वो केवल शिक्षक के लिए है। समृद्ध कार्यक्रम के दौरान शिक्षक बच्चों को अपनी कक्षा में ही बैठाए। बच्चों का समूह बनाते हुए ये ध्यान रखना है कि बच्चों को उनके स्तर के बारे में नहीं बताना है। आइए देखते हैं बेसलाइन आकलन के आधार पर कक्षा में किस प्रकार समूह बनाए जाएंगे, किन कक्षाओं में बनाए जाएंगे और क्यों बनाए जाएंगे। स्तर से जुड़ी सभी दक्षता में ए प्राप्त होता है तो बच्चों को आगे के स्तर में रखा जाएगा। उदाहरण के लिए कक्षा 3 के बच्चे स्तर 1 के सभी दक्षता में ए प्राप्त करते हैं तो उन्हें स्तर 2 में रखा जाएगा। जिन बच्चों को अपनी कक्षा से जुड़ी सभी दक्षताओं में ए प्राप्त नहीं होता है उनको उसी स्तर में रखा जाएगा। उदाहरण के लिए कक्षा 3 के बच्चे स्तर 1 के किसी दक्षता में बी प्राप्त करते हैं तो उन्हें स्तर 1 में रखा जाएगा। कक्षा 1-2 में बेसलाइन आकलन नहीं होना है, वह समूह नहीं बनेगा। कक्षा 3 से कक्षा 5 तक सभी कक्षा में समूह विभाजन होगा। गणित की प्रकृति के अनुसार बच्चे किसी दक्षता से जुड़ी उप दक्षताओं को प्राप्त करते हुए लक्षित दक्षता को प्राप्त करते हैं, इसलिए किसी भी स्तर से जुड़ी सभी दक्षता को उप दक्षता में बांटा गया है। स्तर से जुड़ी दक्षता और उप दक्षता के आधार पर द्विमासिक योजना बनाई गई है। द्विमासिक योजना में हर दक्षता से जुड़ी उप दक्षता में कितने दिन देना है उसकी भी संगति की गई है। दक्षता प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए साप्ताहिक योजना बनानी है। साप्ताहिक योजना में उप दक्षता से जुड़ी सभी शिक्षण सामग्री के साथ संगति की गई है। शिक्षण योजना बनाने के समय इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। दैनिक शिक्षण योजना को 2 कालांशों में विभाजित किया गया है। प्रथम कालांश में अवधारणा निर्माण व दूसरे कालांश में अभ्यास को फोकस किया गया है। साप्ताहिक योजना में सतत आकलन की प्रक्रिया को शामिल किया गया है। शिक्षण के दौरान मौखिक, कार्यपत्र, शाम पट्ट के माध्यम से बच्चों की उपदक्षता की जांच करें। इसको उपदक्षता के अनुसार सतत आकलन प्रपत्र में कोड के माध्यम से भरना है। ए उपदक्षता प्राप्त है, बी उपदक्षता नहीं प्राप्त है। किसी दक्षता से जुड़ी हर उपदक्षता में ए प्राप्त करते हैं तभी आगामी दक्षता की तरफ बढ़े। सतत आकलन के दौरान बच्चों की दक्षता प्राप्ति के साथ स्तर प्राप्ति भी होगी। यदि कोई बच्चा निर्धारित समय से पहले स्तर प्राप्त कर लेता है तो बच्चों को उस कक्षा से जुड़ी आगामी स्तर में जोड़ेंगे। इस प्रकार बच्चे कक्षा से जुड़े स्तर के अनुसार सभी दक्षताओं को प्राप्त कर लेंगे। समृद्ध कार्यक्रम के लक्ष्य प्राप्ति को एंड लाइन से जांचा जा सकता है। बेसलाइन में उपयोग किया गया आकलन टूल उसी को एंड लाइन के लिए उपयोग किया जाएगा। एंडलाइन आकलन प्रपत्र को ए और बी कोड के द्वारा भरना है। ए, दक्षता से जुड़ी सभी प्रश्नों का सही उत्तर दे पाना। बी, दक्षता से जुड़ी सभी प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दे पाना। आरिफा कक्षा 5 की शिक्षिका है। आइए देखते हैं वो अपनी कक्षा में बेसलाइन के आगे की प्रक्रिया कैसे करती है। आरिफा सबसे पहले बच्चों को बेसलाइन के परिणाम के आधार पर 3 समूह में उनके स्तर के अनुसार विभाजित करती है, बच्चों को उनके स्तर के बारे में बताए बिना। समृद्ध कार्यक्रम संदर्शिका में दैनिक शिक्षण योजना के प्रारूप के अनुसार शिक्षण योजना बनाती है जो कि उपदक्षताओं पर केंद्रित है। दक्षताओं को द्विमासिक एवं साप्ताहिक योजना में उपदक्षताओं में विभाजित किया गया है, जिसके आधार पर ही आरिफा ने दैनिक शिक्षण योजना बनाई है। इस दौरान उपदक्षताओं पर आधारित सतत आकलन करती है और उसे सतत आकलन प्रपत्र में दर्ज करती है।
जो बच्चे अपने स्तर की उपदक्षताओं में कठिनाई का सामना कर रहे हैं उन्हें उन उपदक्षताओं को सिखाती है और उन्हें स्तर की सभी उपदक्षताएं पूरी करने पर आगामी स्तर से जोड़ती है। उदाहरण के लिए श्याम जो बेसलाइन के आधार पर स्तर एक में था, श्याम जल्दी ही स्तर एक की सभी छूटी हुई उपदक्षता पूरी कर लेता है, इसलिए आरिफा श्याम को स्तर दो से जोड़ देती है। समृद्ध कार्यक्रम के पूरा होने पर प्रत्येक बच्चे का एंडलाइन आकलन करती है जिसे वो ए और बी कोड के द्वारा भरती है। एंडलाइन आकलन बेसलाइन आकलन की तरह दक्षताओं पर आधारित है। इस वीडियो में हमने बेसलाइन के आगे की प्रक्रिया के बारे में बात की। हमने जाना कि बेसलाइन आकलन के आधार पर शिक्षकों बच्चों को समूह में विभाजित कर शिक्षण करना है। कक्षा एक दो में बेसलाइन आकलन नहीं होना है, वह समूह नहीं बनेगा। कक्षा तीन से कक्षा पांच तक सभी कक्षा समूह विभाजन होगा। ए उपदक्षता प्राप्त है, बी उपदक्षता नहीं प्राप्त है। किसी दक्षता से जुड़ी हर उपदक्षता में ए प्राप्त करते हैं तभी आगामी दक्षता की तरफ बढ़े। दैनिक शिक्षण योजना दो कालांशों में विभाजित किया गया है। प्रथम कालांश में अवधारणा निर्माण व दूसरे कालांश में अभ्यास को फोकस किया गया है। यदि कोई बच्चा निर्धारित समय से पहले स्तर प्राप्त कर लेता है तो बच्चे को उस कक्षा से जुड़ी आगामी स्तर में जोड़ेंगे। समृद्ध कार्यक्रम के लक्ष्य प्राप्ति को एंड लाइन से जांचा जा सकता है। बेसलाइन में उपयोग किया गया आकलन टूल उसी को एंडलाइन के लिए उपयोग किया जाएगा। एंडलाइन आकलन सभी कक्षा में होना चाहिए। यदि कोई बच्चा निर्धारित समय से पहले स्तर प्राप्त कर लेता है तो बच्चे को उस कक्षा से जुड़ी आगामी स्तर में जोड़ेंगे। समृद्ध कार्यक्रम के लक्ष्य प्राप्ति को एंडलाइन से जांचना है।